अरे अरे जाओ मेरा रूम देखो। दाइमा आपका घर? क्यों, मैं क्या भारत में आई है? अरे मेरा बेटा तो गुंडा मवाली है, मेरा घर तो सबसे पहला देखा मंगा है। जाओ अंदर और देखो, अच्छी तरह से देखना। मैडम जी हमने यहाँ सारा सामान चेक कर लिया है पर यहाँ से कुछ भी नहीं मिला। मैडम जी पैसे मिल गए। कहाँ से? दाइमा के घर में, ईरा जी के सूटकेस में। पैसे यहाँ रख दीजिए और जाइए। जी ये सब कैसे? तुम्हें क्या लगता है किसी और का सूटकेस खोलना और इसमें पैसे रखना सिर्फ तुम्हें आता है? तो बोली कैसा लगा मेरा नहले पे दहले? क्यों किया तुमने सब? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तू बस एक बार हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांग, और उसके बाद जो मैं हल्की फुल्की सजा दूंगी वो आप दोनों मान लीजिएगा। भाई अब जो करना है जल्दी कर लो। एक बार अगर समर्थ पुलिस स्टेशन पहुंच गया और अगर उसने कंप्लेन फाइल कर दी तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सोच, जेल में 1-2 साल की सजा या फिर मेरी दी हुई कुछ घंटों की सजा। ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। सॉरी, हमें माफ कर दो। अरे इतनी आसानी से कहा मम्मी जी? मैंने कहा ना कि सॉरी के अलावा मेरी एक छोटी सी सजा भी भुगतनी पड़ेगी आप दोनों को। सजा? कैसी सजा? ये सब क्या हो रहा है? वो पापा एक्चुअली मम्मी जी को बुरा लग रहा है कि उन्होंने नौकरों पर शक किया, तो अब वो खुद उनका काम करके उन्हें दिखाना चाहती है कि वो कितनी शर्मिंदा है उस बात के लिए। मैंने ठीक कहा ना मम्मी जी? रेवती ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा ईशा बेटा जाके बोनस के पैसे ले आओ, देरी से ही सबको बांट देते हैं। जी पापा। स्विट्जरलैंड हनीमून पे? हाँ, हम दोनों को एक साथ अकेले में टाइम बिताना वो तो हो नहीं पाया, तो ये मैंने सोचा हम एक ही हफ्ते में सारी कसर पूरी कर देंगे। तुम मैं और कोई नहीं, सारी दुनिया से कट के अलग एक दूसरे में खो के 7 दिन एक साथ बिताएंगे। समर्थ हम कब जा रहे हैं? बस दिवाली के अगले दिन। ईरा समर्थ के बेडरूम में क्या कर रही हो? इरा बोल रही हो? मैं उन दोनों को हनीमून पे जाने से रोक रही हूँ। तुम कैसे रोकोगी उन्हें जाने से? अभी बता दो। ऐसे तब तो ईशा के पास पासपोर्ट भी नहीं रहा और ना ही उसके पास वीजा। अब वो स्विट्जरलैंड तो क्या पासपोर्ट के अंदर भी नहीं। कमाल कर दिया तुमने इरा। मेरा खाता भी नहीं खोले पैटुन्नो के आ रही है। ए किधर से आ रही टाइट हो गई तू? चला भी नहीं तेरे से सीधा। उस ईशा ने मुझसे काम करवा कर आके मुझे मार दिया। ये नशा नहीं, ये काम। समर्थ शायद ये फाइल्स तुम अंदर ही भूल गए थे। वैसे ईशा मैं ये फाइल्स मैं भूला नहीं, जानबूझकर भूला। समझ प्लीज छोड़ो।